इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ईयर 1815 का टाइम है और हमें एक राइटर दिखाया जाता है जो काफी फेमस था। वो लेखक इस जगह का नहीं था, वो बहुत ही दूर से किसी से मिलने के लिए आया हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लेखक घर का एक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहाँ पे जो महिला होती है वो उस लेखक को वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक ग्राहक है। फिर वो उस महिला को बताता है कि वो एक राइटर है ना कि एक ग्राहक। और जैसे ही वो महिला इस लेटर को देखती है तो वो फौरन दरवाजा खोल देती है और उस राइटर को अंदर बुला लेती है। वो लेखक इस घर में उसके पति से मिलने आया था जिसका नाम थॉमस था और वो एक बुरा इंसान है। और वो लेखक थॉमस से कोई एक स्टोरी सुनने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वो लेखक उससे हाथ मिलाता है तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम क्या इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने आए हो और ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो लेखक उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे आपसे एक कहानी सुनने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वो लेखक उस आदमी को कुछ पैसों का लालच भी देता है वो कहानी सुनाने के लिए। लेकिन वो जैसे ही अपने पैसों को टेबल पे रखता है, थॉमस उस पैसों को वहां से हटा देता है और थॉमस कहता है कि अगर तुम्हें वो स्टोरी सुननी है तो तुम कोई सरकारी अखबार में जाके देख लो। लेकिन फिर वो लेखक कहता है कि मुझे ये स्टोरी सिर्फ आपके मुंह से ही सुनना है। लेकिन थॉमस को ये बात सुन के उस राइटर पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। उसके बाद वो राइटर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही जाने वाला होता है थॉमस की पत्नी उसका रास्ता रोक लेती है और उसे रुकने के लिए कहती है। और थॉमस की पत्नी उससे माफी भी मांगती है और कहती है कि उनकी बातों का बुरा मत मानना क्योंकि इस स्टोरी के बारे में थॉमस ने आज तक ना तो किसी को बताया है और शायद ना ही बता पाएंगे। फिर ये सब होने के बाद थॉमस की वाइफ थॉमस के पास जाके वो स्टोरी सुनाने का रिक्वेस्ट करती है और बहुत कहने के बाद थॉमस तैयार हो जाता है वो कहानी सुनाने के लिए क्योंकि वो काफी गरीब परिवार से थे और उन्हें पैसों की भी काफी जरूरत थी, इसलिए वो तैयार हो जाते हैं। और फिर थॉमस कहता है कि ये काफी दुख भरी कहानी है इसलिए शायद तुम पूरा ना सुन पाओ। और फिर थॉमस अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और हमें सन 1820 में दिखाया जाता है। और ये उस वक्त की बात है जब समुन्द्र में वेल का शिकार किया जाता था। वो लोग वेल को मार के उससे तेल निकालते थे और तेल का बिजनेस करते थे। वेल को मार के उसका ऑयल निकालना यहाँ पे आम बात थी और लोगों में इस बात का काफी प्रचलन भी था। लोग ये भी शर्त लगाते थे कि कौन ज्यादा वेल्स को मार के ऑयल निकाल पाएगा। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओविन। ओविन किसी कंपनी के लिए काम करता था और हमें दिखाया जाता है कि ओविन अपने लाइफ में बहुत खुश था और उसकी एक पत्नी भी है। ओविन उस कंपनी के मालिक से मिलता है और वो फिर इससे मिलके बताता है कि इस बार हम वेल का शिकार करने के लिए अपना सबसे बड़ा जहाज को भेजने वाले हैं। और वो ओविन से कहते हैं कि इस बार शिप का ऑफिसर हम तुम्हें बना के भेजते हैं। लेकिन ये बात सुन के ओविन काफी नाराज हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगली बार हम तुम्हें ही कैप्टन बनाएंगे अपनी शिप का। लेकिन वो अपनी शिप का कैप्टन एक जॉर्ज नामक व्यक्ति को बना देते हैं और वो एक कंपनी के ओनर का बेटा था। और फिर वो लोग ओविन से प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार हम तुम्हें ही अपना कैप्टन बनाएंगे और फिर वो उसकी तनख्वाह को बढ़ाने का वादा करते हैं। और फिर ओविन किसी तरीके से मान जाता है और उनसे कहता है कि मुझे लिखित में दो कि अगली बार तुम ही मुझे अपना कैप्टन बनाओगे। फिर ओविन शिप पे जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। जब ओविन जाने लगता है तो उसकी पत्नी काफी नाराज हो जाती है और वो उससे कहती है कि वादा करो कि तुम सही सलामत घर वापस आओगे। और फिर वो अपने गले से निकाल के ओविन को एक लॉकेट पहना देती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि जॉर्ज अपने पिता से बात कर रहा होता है जो उस कंपनी का ओनर भी होता है और वो उसे कहता है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगे इस मिशन में। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े जहाज में जरूरी सामानों को रखा जा रहा है और काफी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उन लोगों को देखने के लिए। फिर हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस होता है। और हाँ, ये थॉमस वही था जो इस स्टोरी को बता रहा है। थॉमस अपने बचपन के दोस्त से भी मिलता है जो उस जहाज पे होता है। इसके बाद कैप्टन जॉर्ज और ओविन दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन जॉर्ज ओविन से ठीक से पेश नहीं आता है और अपने कैप्टन होने का रोक जमाता है। लेकिन ओविन मजबूर था और कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद फिर वो जहाज चल देता है और थोड़ी दूर जाके वो जहाज खराब होने लग जाता है। वो जहाज एक जगह पे जाके फंस जाता है और फिर ओविन अपनी काबिलियत के दम पे उस जहाज को वहाँ से बाहर निकाल देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ओविन बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था और दूसरी तरफ जो जॉर्ज काफी इनएक्सपीरियंस था और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये सब देख के जॉर्ज काफी गुस्सा हो जाता है। जॉर्ज इस बात का गुस्सा रात के खाने के टेबल पे लेता है और वो ओविन से कहता है कि तुम काफी गरीब हो और तुम्हारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। फिर ओविन गुस्सा होकर वहाँ से चल देता है। फिर हमें एक चीज दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनमें काफी भेदभाव किया जाता है। इसके बाद जॉर्ज ओविन को कुछ करने का ऑर्डर देता है और ना चाहते हुए भी ओविन को ये चीज करना पड़ता है।
फिर अचानक से समुद्री तूफान आ रहा होता है और ये देख के ओविन जॉर्ज को कहता है कि ये आखिरी तूफान है और हमें इस अपने जहाज को वापस मोड़ लेना चाहिए। लेकिन जॉर्ज ओविन की बात को नहीं सुनता है और वो कहता है कि शिप को सीधा तूफान की तरफ ले जाने के लिए। थोड़ी दूर जाके उनका जहाज भयंकर तूफान में फंस जाता है और इसे देख के ओविन काफी परेशान हो जाता है और शिप को वापस घुमाने का आदेश देता है। लेकिन जॉर्ज उस बात को नकार देता है और उस शिप को आगे ले जाने के लिए कहता है। तूफान बहुत तेज होता है जिसकी वजह से जहाज ऊपर और नीचे होता जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे तूफान कम हो जाता है और वो किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज ओविन से अब माफी मांगने के लिए कहता है और हम इस जहाज को वापस आइलैंड के ऊपर लेके जाएंगे और वो कहता है कि हम बिना वेल का शिकार किए ही वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस बात को सुन के ओविन काफी नाराज होता है और वो उसे काफी मनाता है और काफी समझाने के बाद जॉर्ज इस बात को मान जाता है क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और बिना तेल लिए वो वापस नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 महीने बीत चुके हैं और वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें काफी सारे वेल मिल जाते हैं। इसके बाद उन वेलों का शिकार करने के लिए लोग अलग अलग नाव में बैठ जाते हैं। फिर ओविन पूरा ध्यान लगा के एक वेल पे हमला करता है और उसे किसी तरीके से मार गिराता है। उसके बाद वो उस वेल को वापस शिप पे ले आते हैं और उन्हें काट के उसका तेल निकालने लग जाते हैं। इन तेल निकालने के लिए उस वेल के अंदर भी जाना जरूरी होता है और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है। थॉमस छोटा होता है इसीलिए उसे कहा जाता है कि तुम इसके अंदर जाओ और फिर उसे अंदर भेज दिया जाता है। उस शिकार के बाद उन्हें काफी दिन हो जाते हैं और फिर उन्हें कोई भी वेल नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे उनके खाने पीने का सामान भी खत्म होते जा रहा था। और फिर थोड़ी दूर जाके उन्हें एक आइलैंड दिखता है जिसकी तरफ वो जहाज मोड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ एक आदमी से मिलते हैं जो एक दूसरे शिप का कैप्टन होता है और वो अपने वेलों के शिकार का कहानी सुनाता है और कहानी सुनाते हुए वो कहता है कि जब हम समुद्र के बीचों बीच पहुँच गए थे तो उन्हें सबसे बड़ा वेल मिला था जो काफी ज्यादा विशाल और बड़ा था जिसका नाम वो ग्रेट वेल रख देते हैं। लेकिन उसके शिकार के दौरान कैप्टन का शिप पूरा टूट जाता है और उनका हाथ पांव भी टूट जाता है। कि जॉर्ज और ओविन इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर वो कैप्टन गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर ओविन कहता है कि अगर ये बात सच है तो हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए और उस वेल का शिकार करना चाहिए। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 14 महीने बीत चुके हैं और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद वो उस जगह पहुँच ही जाते हैं जहाँ पे उन्हें ग्रेट वेल मिलने वाला था। और वो जैसे उस जगह पे पहुँचते हैं सब अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं। फिर अचानक से उनके बोट पे एक बड़ी सी वेल हमला कर देता है जिसकी वजह से वो लोग बोट से नीचे गिर जाते हैं और फिर पानी में गिरने के बाद वो पहली बार उस विशाल वेल को अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन ओविन के साथ ही एक छोटी सी वेल पे हमला कर देते हैं जिसे देख के ग्रेट वेल उनकी शिप पे हमला कर देती है और जिसकी वजह से उनका जहाज डूबने लग जाता है। उनके जहाज को काफी नुकसान पहुंचता है जिसकी वजह से उसमें पानी भरने लग जाता है। फिर जॉर्ज उन्हें ऑर्डर देता है कि इस बोट को छोड़ के वो यहाँ से निकल जाए और फिर वो जल्दी जल्दी में कुछ जरूरी सामान खाने पीने का वहाँ से लेके और निकल जाते हैं। वो लोग पूरी तरीके से समुन्द्र में खो चुके थे और उन्हें नक्शे से भी नहीं पता लग रहा था कि वो कहाँ पे है। के बाद रात हो जाती है और फिर वो दोबारा तूफान में फंस जाते हैं और जिसमें ओविन का फ्रेंड भी काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। और फिर दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा था ओविन के फ्रेंड की हालत बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी और ऐसे ही करते करते 34 दिन बीत जाते हैं और उन लोगों का खाना भी खत्म हो जाता है। फिर थोड़ी दूर जाके उन्हें एक टापू दिखता है जिसे देख के वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और उसकी तरफ अपनी नाव को मोड़ लेते हैं। और वो जैसे किनारे पे पहुंचने वाले होते हैं वहाँ पे ग्रेट वेल आ जाती है और उनके नाव को बीच से दो दो टुकड़े कर देती है जिससे वो लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन फिर वो किसी तरह बह के समुद्र के किनारे आ जाते हैं। लेकिन उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसे खा जा रहे थे। फिर जॉर्ज उन्हें कहता है कि हमें आग जलाना चाहिए जिससे अगर कोई हमें दूर से देख लेगा तो वो हमें पहचान जाएगा। लोग उस आइलैंड की छानबीन करने लग जाते हैं और उन्हें एक गुफा मिल जाता है। फिर वो अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें इंसानों की हड्डी मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे पहले भी लोग फंस चुके हैं और उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया था। ये सब देख के वो लोग डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे और हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो धीरे धीरे करके अपनी टूटी हुई नाव को ठीक करने लगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम इस आइलैंड पे ही रुक जाएंगे और उनमें से ओविन का फ्रेंड भी शामिल होता है। और जाते जाते ओविन अपने फ्रेंड से एक वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए मदद जरूर लेके आऊंगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 48 दिन बीत चुके हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ना तो उनके पास खाना था और ना ही पानी। इसी बीच उनका एक साथी मर जाता है। फिर उनमें से उनका एक साथी कहता है कि हम इसे नीचे फेंक देंगे। लेकिन फिर ओविन कहता है कि हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसे खा लेंगे।
क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। वो लोग मजबूर होते हैं और उन्हें ये करना ही पड़ता है और आखिरकार वो उसे खा लेते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में ले जाया जाता है जहाँ बूढ़ा थॉमस अपनी कहानी सुना रहा होता है और वो काफी उदास हो जाता है इस बात से कि उसे अपने दोस्त को खाना पड़ गया था। इस कहानी को उसकी पत्नी सुन के काफी दुखी हो जाती है और उसे रोना आ जाता है और फिर वो थॉमस से कहती है कि आगे की कहानी सुनाओ। इसके बाद हमें एक महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं और एक ही जगह पे भटकते रहते हैं क्योंकि वो लोग काफी भूखे थे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक गेम खेलेंगे, इसमें अगर कोई हार जाता है तो वो लोग उसे मार देंगे और सब मिल के उसे खा लेंगे। और उस गेम में जॉर्ज हार जाता है। फिर जॉर्ज अपने साथी के हाथ में गन दे के कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन उसका एक साथी अपने आप को ही शूट कर लेता है और उसके मरने के बाद उसे खा लेते हैं। तभी वहाँ अचानक ग्रेट वेल आ जाती है, इसे ओविन देख के उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन फिर उसकी नजर अचानक से उस वेल की आंख पे पड़ जाती है और फिर वो वेल वहाँ से चली जाती है और थोड़े दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। फिर कुछ लोग जॉर्ज की बोट को देख लेते हैं और उनकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो लोग मदद के लिए जैसे उस शिप के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें इंसानों की हड्डी पड़ी हुई है। इसे देख के वो लोग काफी चौंक जाते हैं और फिर उन्हें किसी तरीके से बचा लिया जाता है और वो लोग घर वापस लौट जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते थे उनका काफी लोग इंतजार कर रहे होते हैं जिनमें से ओविन की पत्नी भी होती है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर जाते समय ओविन थॉमस को अपनी गले से निकाल के वो लॉकेट को दे देता है। के बाद वो ओनर ओविन को बुलाते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटना हुई थी ये बताने के लिए, लेकिन जब वो अपनी कहानी बताते हैं तो वो लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए ओविन वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ओविन जॉर्ज से कहता है कि अगर तुम एक सच्चे कैप्टन हो तो इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दो। फिर जॉर्ज उन्हें सब कुछ बताने लगता है, लेकिन वो कंपनी के लोग इनकी बातों को झूठा मानते हैं। उसके बाद ओविन ने जैसा वादा किया था वो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बोट में बैठ के जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और थॉमस की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद थॉमस पूछता है कि क्या तुम सच में ये स्टोरी को दुनिया के सामने रखोगे, तो राइटर कहता है हाँ, लेकिन मैं इसे कुछ अलग तरीके से पेश करूंगा। उसके बाद वो राइटर उस बुक को लिख देता है और वो किताब काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।